नई दिल्ली, इसी जगह और इसके इर्द गिर्द बसी सातवीं नगरी, शायद आठवीं, क्या पता हजारों बसी हो पहले। हमारी स्मृतियों का योगिनीपुरा भी यही है और हमारे अरमानों की नई दिल्ली भी यही है, और इन दोनों के बीच बिखरी है हमारे संसार की कहानी। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में कंधे से कंधा मिलाती हमारे देश की राजधानी। आप सोच रहे होंगे कि हम दिल्ली से कहां जा रहे हैं, आखिर इस महानगरी में कौन सा एकांत। पर ये एकांत भी ना कमाल की चीज, आपके नजरों के सामने अपनी दुनिया खड़ी करते और आपको खबर तक न पड़ने दे। किसी जिन की तरह, जिसकी अगर मर्जी हो तो ही वो आपको दिखे। और ऐसे ही एक एकांत का आज हमें बुलावा आया है, यहां मेहरौली में। भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच साकेत के मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूर है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसने संभाल के रखा है पिछले हजार साल के इतिहास को और जिसकी गूंज बहुत जोर से महसूस होती है। मेहरौली दिल्ली का वो अहम हिस्सा है जिसमें सदियों से आबादी बसती आई है। इसकी तारीख 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसमें कई अलग अलग तरह के लोग आकर के बसे हैं और उन्होंने अपनी इमारतें बनाई। यह मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क करीबन 100 एकड़ का एक परिसर है जो यहाँ पाई जाने वाली कई सारी ऐतिहासिक इमारतों और अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस पार्क के भीतर दिल्ली से राज करने वाले लगभग हरेक राजवंश के दौर में बनाई गई इमारतें या उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में इतना सारा इतिहास। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क एक बहुत ही खूबसूरत खुली हुई और तारीखी जगह है और वहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है कुतुब कॉम्प्लेक्स का या आदम खां के टोम का या दूसरे दूर के मॉन्यूमेंट्स का, वो अपने आप में इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से और जिसका परिसर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सैकड़ों पर्यटक आते हैं यहाँ पे हर वर्ष और उन सब की नजरों के सामने इतना करीब की ओझल हो जाए। मेहरौली की इन इमारतों को यहाँ इस तरह अज्ञातवास में ही अपनी बाकी जिंदगी बिताना मंजूर। महाराज, सेनापति, सुल्तान, योद्धा, संत महात्मा, पीर फकीर, ये सारे अनगिनत वर्षों से इन्हीं गलियों से गुजरे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी न जाने कितनी यादें, घटनाएं, इरादे जो किसी को भी याद नहीं, आज भी यहाँ भटकती होंगी। तो वाकई बहुत कुछ है देखने के लिए, ऐसा पता भी चल रहा है और महसूस भी हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम निधि है। हेलो, मैं यहाँ पे हेरिटेज वॉक्स कराती हूँ। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के इतिहास के बारे में लोगों को बताती हूँ एक छोटे से वॉकिंग टूर के जरिए। अरे वाह,
ये तो इस एकांत ने हमें यहाँ बुलाया भी और अपने बारे में बताने के लिए इनको भी भेज दिया। क्या आप मुझे एक छोटे वॉक के जरिए इस जगह के बारे में बता पाएंगे? चलिए। शुक्रिया। पार्क में जो सबसे पुरानी इमारत है वो तुर्क सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है जो 1287 के आसपास बनाया गया है। ये इस पूरे पार्क की सबसे पुरानी इमारत है और कहा जाता है कि इसका एक इतिहास भी मौजूद है। 1246 में बलबन यहाँ के सुल्तान बने दिल्ली के और ये उनका मकबरा है। इसकी भी वही हालत है जो उनकी हालत है, किसी को याद नहीं, कोई यहाँ आता नहीं। पर यहाँ पर तो एक पत्थर का ताबूत होना चाहिए था ना, सार्कोफेगस? हाँ, होना तो चाहिए था, पर वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। बलबन के मकबरे की एक बहुत ही खास चीज है, वो यहाँ है। आज? हाँ। लेकिन आज तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे आम चिन्ह है, हर इमारत में पाया जाता है। ठीक कहा, पर ये भारत का बनाया गया सबसे पुराना और सबसे पहला ट्रू आर्च है। वाओ, यहाँ छिपा बैठा है। और वहां पर वो कब्र किसकी? वो कब्र बलबन के बेटे मोहम्मद खान की है। हाँ, ये वही है ना जो मंगोल्स के खिलाफ लड़ते लड़ते लाहौर के पास किसी युद्ध में मरे थे। शायद इनको खान शहीद भी बुलाया जाता है ना? बिल्कुल सही, ये वही है। और इनकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि बलबन को बहुत गहरा सदमा पड़ा था जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु जल्दी हो गई थी। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।